इसमें आपको टीन फॉइल या सिल्वर फॉइल में आपको सैंपल पैक करके यहाँ पे डालना है, रेस्पेक्टिव वेट डालना है, उधर मेथड डालना है और नेम डालना है, ठीक है। तो ये सैंपल लेके क्या करेगा, सैंपल को लेके ये बॉल वॉल में लेगा, बॉल वॉल में लेने का बाद फ्लैश करेगा, क्योंकि ये जो सैंपल हम लोग दिया है ये एनवायरमेंटल एयर का साथ में था, एनवायरमेंटल एयर को हटाना है तो इसको 90 डिग्री ऐसा घुमाएगा और उसमें कैरियर गैस को फ्लैश करेगा, क्योंकि बाकी में तो कैरियर गैस ही फ्लो हो रहा है बाकी पाथ में, वो कैरियर गैस को ही देके वो फ्लैश करेगा। उसके बाद फिर 90 डिग्री घूम जाएगा और सैंपल को गिराएगा कंबशन ट्यूब में, जो एस फिंगर या एस क्रूसिबल है उसमें गिराएगा। वहाँ पे फिर ये ऑक्सीजन, ये एक लाइन लगता है ऑक्सीजन जो डोजिंग उस समय करेगा। ये कंबशन ट्यूब है, ये रिडक्शन ट्यूब है, ये ऑक्सीजन मोड पे चल रहा है तो रिडक्शन ट्यूब मिस है, ये पायरोलिसिस ट्यूब है, कंबशन ट्यूब नहीं है ऑक्सीजन मोड के लिए, बट इन CHNS मोड दिस इज कंबशन ट्यूब, दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये होगा ये सैंपल जाके एस क्रूसिबल में गिरेगा और यहाँ से एक O2 लंग्स देके वहाँ पे सैंपल जलेगा, ठीक है। साथ में क्या है, कॉम्बशन ट्यूब में WO3 है, कोई अल्कली मटेरियल है, नॉट इजी टू कॉम्बस्ट, उसके लिए ये टंगस्टन एज ए एडिटिव एनहांसर कैटलिस्ट, तो उसमें कैटलिस्ट बोल सकते, तो वो वहाँ पे जलेगा और ऑक्सीडाइज फॉर्म जनरेट करेगा, मतलब SOX, COX, जो कंबस्टाइल मटेरियल है उसी का 1150 डिग्री सेल्सियस में जो कंबस्ट हो सकता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड WO3 ये कंबस्ट होगा। कंबस्ट होने का बाद वो जाएगा रिडक्शन ट्यूब, तो नीचे एक क्वार्ट्ज पीस लगा रहेगा जो दोनों ट्यूब को अटैच करेगा, फ्लो इधर से आके फिर रिडक्शन ट्यूब में जाएगा, कंबस्टन ट्यूब देन क्वार्ट्ज पीस होकर रिडक्शन ट्यूब। रिडक्शन ट्यूब में जाके क्या होगा, वहाँ पे कॉपर है, प्योर कॉपर और सिल्वर हुई है, प्योर रिडक्शन ट्यूब, कॉपर है, कॉपर और सिल्वर। कॉपर का काम क्या है कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है SOX वो नॉट स्टेबल, SO2 बनना है, तो SO2 बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को उसको एक्सॉस्ट करना है, रिडक्ट करना है, तो वो कॉपर करेगा, कॉपर करके क्या करेगा, वो CuO कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जो ब्लैक कलर में हो जाए कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद कुछ हैलाइड पार्ट रहेगा आपका, तो उसके लिए ऊपर में दिया हुआ सिल्वर रूल, उसको रिएक्ट करेगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये हो जाएगा। उसके बाद प्योर जो चार गैसेस है N2, H2O, CO2 एंड SO2, H2O भी है, H2O भी है, CHNS, H as a H2O गैस है, उसको कैरी करके कौन लेके जा रहा है, हीलियम, हीलियम उनको कैरी करके लेके जा रहा है। रिडक्शन ट्यूब का बात हो जाएगा CO2 कॉलम पे, यहाँ पे कितना टक गैस था, चार गैस था CO2, H2O, SO2 एंड N2, ये चारों गैस में से चारों गैस पास होगा SO2 कॉलम से, जो SO2 कॉलम है उस कॉलम पे एक मटेरियल है जो सिर्फ SO2 मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा, बाकी कुछ छोड़ देगा। कॉलम क्या है, एक्टिविटी कॉलम, कॉलम जिसमें वो सिर्फ SO2 को ही, वो SO2 कॉलम है जो सिर्फ SO2 को ही वो रिडक्ट करके रखेगा, SO2 को अब्जॉर्ब कर लेगा, मोटा मोटा बाकी कुछ, बाकी सब कुछ छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। बाकी क्या क्या पड़ा हुआ है, H2O, CO2, N2, बाद में जाएगा वो H2O कॉलम, H2O कॉलम में जाएगा, H2O को कैच कर लेगा, उधर बाकी पड़ा हुआ है CO2 और N2, CO2 कॉलम पे जाएगा, CO2 अरेस्ट, बाकी क्या पड़ा हुआ है N2, उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चलो निकल जाओ डायरेक्टली, गोइंग टू, वो निकल के कहां जा रहा है, TCD थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, और जाके एक पीक दिया, तो पीक जब आया एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय वेट, कैलकुलेशन करके वो निकाल दे। आपने वेट दिया है उसका हिसाब से वो उसका एरिया आया है, साथ में कोफिशिएंट, कैलिब्रेशन कोफिशिएंट एंड फैक्टर, डेली फैक्टर, उसको कैलकुलेशन करके वो रिजल्ट देगा आपका नाइट्रोजन का। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद अभी जो तीन कॉलम में तीन मॉलिक्यूल बैठा हुआ है उसको तो वन बाई वन हिट करेंगे, एक बाई एक जाएगा टीसीडी में और ऐसे करके चारों गैस को सी एच एन एस को सेपरेट करके कॉलम से एब्जॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन होगा। दिस इज द फंडा यही ब्रीफ बस। कोई अभी जो किए हैं उसका अभी हम लोग सी एच एन एस नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग कर रहे हैं अभी सिर्फ ऑक्सीजन ही देना है। अच्छा, इसमें जो रिक्वायर्ड गैसेस है कैरियर गैसेस वो हीलियम 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 के अलावे कैरियर नाइट्रोजन भी यूज करते हैं क्या? नहीं नहीं, सिर्फ हीलियम रहेगा कैरियर हीलियम एज कैरियर कैरी करेगा सर। तो हमको इसको रन करने के लिए ओनली हीलियम गैस हीलियम चाहिए और फिर जब स्टार्ट कीजिएगा तो ऑक्सीजन देना होगा। पायरोलाइजर में जो कंबस्ट होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए? नहीं, अभी जो ऑक्सीजन मोड है इसमें कार्बन ब्लैक लगा हुआ है अंदर में, उसमें क्या था WO3 था उसमें क्या होता था कंबस्ट होता था हाई टेम्परेचर में कंबस्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कंबेशन। बट इधर क्या हो रहा है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में ये कंबस्ट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है पायरोलिसिस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरोलिसिस होके कार्बन का साथ आपका कुछ मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन, मतलब आपने एग्जांपल लिया उसमें ऑक्सीजन है 1170 डिग्री सेल्सियस में वो CO बनेगा। CO किसके साथ? कार्बन कहाँ से मिला? कार्बन ब्लैंक जो देके रखा है उसके साथ वो CO बनेगा, वो जाएगा फिर इधर ड्राइंग ट्यूब में, ड्राई होने का बाद वो जाएगा CO कॉलम पे। मतलब इसके लिए देखिए बात ऐसा है कि ये जो CO बन रहा है सिर्फ CO तो नहीं बनेगा, आपका सैंपल में सिर्फ ऑक्सीजन है ऐसा तो नहीं है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कुछ भी हो जो भी है, सल्फर भी है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन वो तो फिर भेज देंगे तो पीक दे देगा वो। तो वो क्या करेगा कि इसको भाई इसमें से सिर्फ CO को ही सेपरेट करना है तो कॉलम लगा दो, CO में सिर्फ CO को CO को एब्जॉर्ब करेगा बाकी को छोड़ देगा, इसीलिए उसको डामी पीक बोल के कहता है। डामी पीक जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ ये जैसे मैंने पॉलीइथिलीन चलाया था इसमें देखिए इसको बोलते हैं डामी पीक, मतलब CO छोड़ के बाकी जो है ये सब इसमें आ रहे हैं, इसको वो पक करके नहीं रखा है, वो छोड़ दिया पहले ही निकल जा रहा है। जब भी फिर डामी पीक आके जब ये हो गया तब उनको पता चल गया कि चलो बाई प्रोडक्ट जो है वो निकल गया है, अभी इसको गर्म करो। देखो ये पॉइंट पे ये कॉलम को हीट करना, CO कॉलम का टेम्परेचर का ग्राफ, कॉलम को हीट किया है तब जाके ये CO निकला है और पीक दिया है, पीक करिए अंदर तक पीक एरिया। कार्बन निकल ही जाएगा, मतलब कार्बन तभी जाके वो 1170 डिग्री सेल्सियस में वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन पाए। उसको CO बनने के लिए और टेम्परेचर से CO बनने के लिए और टेम्परेचर CO2 बन जाएगा। और ऊपर से क्या है कि मान लीजिए कि आपका कम आ रहा है तब ये भी हो सकता है कि आपका जो कार्बन है वो कम आए, क्योंकि एक कार्बन का साथ एक ऑक्सीजन जब बॉन्ड होगा ना हाई टेम्परेचर चाहिए, जब कार्बन कम हो जाएगा तब ऑक्सीजन ज्यादा घुस जाएगा उसको, तो CO2 हो जाएगा। CO2 को तो पकड़ेगा नहीं क्योंकि उसमें CO कॉलम लगा हुआ है, CO2 को तो पकड़ेगा तब कम हो जाएगा। अंडरगोइंग प्रोसेस है वहाँ CO2 पहले कंज्यूम करता है ऑक्सीजन को मैक्सिमम और हाईएस्ट टेम्परेचर पे वो एक एलिमेंट को छोड़, मतलब जो एक्चुअल कार्बन है वो छोड़ के नहीं जाएगा, जो एक्चुअल ऑक्सीजन है वो छोड़ के नहीं जाएगा, CO के साथ बॉन्ड करके ही रखेगा, वो हो जाएगा CO जिसको हम लोग एब्जॉर्ब करके फिर बाद में डिसॉल्व करके। अच्छा, ये जो तीन कॉलम की बात कर रहे हैं तीन कॉलम दिखा रहा हूँ अभी लगा हुआ है तीन कॉलम बट काम पे नहीं है दो कॉलम, ये अभी ऑक्सीजन है ये है आपका CO2 कॉलम
ये देखिए SO2 कॉलम ये है, ये CO H2O कॉलम है, ये CO2 कॉलम है, बट फिलहाल ये CO कॉलम है, फिलहाल वो CO कॉलम फॉर ऑक्सीजन मोड के लिए। अभी ये CO कॉलम लगा हुआ है, हम लोग चेंज किया है, ये कॉलम को चेंज किया है। अभी दूसरे कॉलम जो CO2 एक्चुअल था वो CHNS के लिए, वो फिर लगा देंगे इसमें। ये फिलहाल CO कॉलम, ये TCD है, ठीक है, ये ये थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, TCD है, और ये आपका फर्नेस का जगड़ी है, ये यहाँ पे बॉल वाल्व है, बाकी BCB इधर है। अच्छा, वहाँ से सैंपल जो रब करके आपको इधर देना है, और ये वो कैसे वहाँ से एग्जॉस्ट कैसे करते हो? ये ऐसा घूमता है, घूम जाता है ये खुद, यहाँ खुद से घूमेगा और हिसाब से ये घूमेगा। तो घूमेगा तो जाएगा कैसे? ये छेद है ना, छेद है ना, एक जगह पे छेद है, एक जगह, एक ही जगह पे छेद है। ये देखिए मैं वहाँ से गिर जाए, पूरा इजी कर देता हूँ सिंपल। ये पकड़ो, ये अंडा भी कलेक्ट किया जा सकता है, पूरा मुर्गी फार्म का अंडा है। ये देखिए, ये जो है, ये अभी 23 नंबर सैंपल चल रहा था वहाँ पे, 23 नंबर पे होल है, मतलब क्या है कि जो 22 नंबर पे है, ये देखिए। अच्छा, कागज का टुकड़ा दीजिए, कागज का टुकड़ा छोड़ के, ये और छोटे, ये देखिए, मैंने मान लीजिए कि 25 में सैंपल दिया। अच्छा, सैंपल दिया तो ये क्या कर रहा है, ऐसा घुमा रहा है, जैसे 25 में जाया सैंपल गिरा। अच्छा अच्छा, सैंपल गिरा, गिरा कहाँ पे? सैंपल इसमें गिरा, इसमें गिरा, ये इधर 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 सैंपल इसमें गिरा। इसमें एक बॉल है, जो बॉल ऊपर की तरफ है, मतलब अभी नीचे की तरफ है, जब वो सैंपल लेने का समय आएगा तो ये घूम के ऊपर आ जाएगा। ऐसा कटोरी टाइप का ये बॉल है, जो लीक ना हो, ऊपर में आएगा, ये सैंपल इस बॉल में गिर गया, इसको 90 डिग्री घुमाया, इसका फ्लास किया है, सब करके दिया है, ये जो लाइन है, इस लाइन से इसको हीलियम फ्लास किया है, हीलियम तो फ्लास करने का बाद फिर 90 डिग्री घुमाया तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा ना, गिर जाएगा। अच्छा जी, बताइए, जबरदस्त है ये तो मशीन, आप बना लेंगे तो?